डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ नए टॉपिक्स हम लोग करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज के वे प्रश्न जो आपने कल टॉपिक्स के रूप में किए, ये प्रश्न है कि किसने तुगलक काल में किसने किसके लिए कहा कि हन्नूस दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में। तर्माश्री मंगोल आक्रमणकारी था, इसका आक्रमण दिल्ली सल्तनत काल में किसके शासन काल में हुआ? तर्माश्री का मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया, टोकन करेंसी। हम सभी इसके बारे में चर्चाएं करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं यह टोकन करेंसी सांकेतिक मुद्रा क्या था, यानी सांकेतिक जो करेंसी था, सांकेतिक मुद्रा, वो किसका किसके बदले था, यानी उसने कौन सी मुद्रा चलाई और किसके बदले यह सांकेतिक मुद्रा थी, यह आपको बताना चाहिए। तो यह दरअसल था तांबे या कांसा, यानी कॉपर या ब्रोंज का क्वाइन था जो सोने और चांदी के बदले चलाया गया, यह कहकर के सोने और चांदी के बदले अब तांबे और कांसे के सिक्के चलेंगे। तांबे का सिक्का उस समय जीतल कहलाता था और चांदी का सिक्का टंका। तो यह इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया, इसने राजधानी का परिवर्तन किया, दिल्ली से कहां राजधानी परिवर्तित कर दिया इसने, यह बड़ा विवादास्पद शासक माना जाता है। बहुत सारे इसने नई घोषणाएं की, इसमें से राजधानी का परिवर्तन भी था, दिल्ली अब राजधानी नहीं रहेगी। तो इसने कहां राजधानी परिवर्तित कर दिया? दौलताबाद, यानी देवगिरी, देवगिरी को उसने दौलताबाद नया नाम दिया। इसने किस विदेशी यात्री को दिल्ली का काजी बना दिया, यानी न्यायाधीश? यह कौन था जिसे एमबीटी ने दिल्ली का काजी बना दिया? इब्न बतूता, जो मोरक्को निवासी था, उसे दिल्ली का काजी इसने बनाया था। किसे सल्तनत युग का अकबर कहते हैं? आसान क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक, एक नया विभाग इसने स्थापित किया, दीवाने अमीरे कोही, एक नया विभाग एमबीटी ने दीवाने अमीरे कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था, यह विभाग किस प्रकार का विभाग था? दीवाने अमीरे कोही, कृषि विभाग, कृषि विभाग था। साथ ही सिंचाई के लिए एक नया टैक्स लगाया गया तुगलक काल में, हक ए शर्ब, हक ए शर्ब एक नया सिंचाई कर था, 1/10 उपज का, यह किसने लगाया नया सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स? तो यह था फिरोज तुगलक, और इसे सल्तनत युग का अकबर भी कहते हैं। फिरोज तुगलक ने संस्कृत के कुछ ग्रंथों का फारसी में ट्रांसलेशन किया, जिसका नाम उसने रखा दलाइले फिरोज शाही। संस्कृत के बुक्स का यह ट्रांसलेशन था, अनुवाद था, जिसका नाम दलाइले फिरोज शाही था। दलाइले फिरोज शाही, यह किस से संबंधित था, यानी यह ट्रांसलेशन जो किया गया यह किससे संबंधित था, क्या इसमें था, टॉपिक क्या था? तो यह हो जाएगा खगोल विज्ञान, यानी एस्ट्रोलॉजी पर इसका दलाइले फिरोज शाही। इस तरह से इस समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, लास्ट और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, तुगलक काल का अंतिम शासक कौन था? तुगलक काल का अंतिम, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? बीपीएससी का यह पैटर्न है। नासिरुद्दीन महमूद, और इसके समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा, इसी समय तैमूर लंग का 1398 में आक्रमण हुआ, यह आप ध्यान रखेंगे, तैमूर लंग का। 1221 में चंगेज खां का इल्तुतमिश के समय आक्रमण हुआ था, और अब यहां पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ 1398 में नासिरुद्दीन महमूद के समय, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि बाबर के ये पूर्वज थे चंगेज खां और तैमूर, इन दोनों का आक्रमण भारत पर 1221 में चंगेज खां, 1398 में नासिरुद्दीन महमूद के समय तैमूर का, या तैमूर लंग भी कहते हैं, उसका आक्रमण हुआ। अब आइए इधर आते हैं पॉलिटी में। हम लोगों ने विधायिका कल किया था, राज्यों की विधायिका, कुछ क्वेश्चन इससे भी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य से, तीन राज्यों के नाम आपको बताने हैं, किस राज्य से सर्वाधिक एमएलए चुने जाते हैं? वह तीन बड़ा राज्य जहां
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सर्वाधिक संख्या में चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश तो हर कोई जान रहा। दूसरा, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, तीन बड़े राज्य जहां से सर्वाधिक एमएलए चुने जाते हैं। तो बिहार में एमएलए की संख्या कितनी है, चुने जाने वाले एमएलए की संख्या कितनी है, 243। साथ ही एक एमएलए के लिए चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र मिनिमम एज कितनी होती है, राज्यों के एमएलए चुने जाएंगे उसके लिए मिनिमम एज उनका कितना होना चाहिए, 18, 21, 25, 30। सोचकर जवाब देना चाहिए। 25 वर्ष एमपी और एमएलए दोनों के लिए मिनिमम एज है 25 वर्ष। लोकसभा के, याद रखेंगे, लोकसभा के एमपी 25 वर्ष, हालांकि राज्यसभा के एमपी 30 वर्ष। तो यहां पर एमएलए के लिए भी 25 वर्ष। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, जब हम लोग विधायिका कर रहे हैं तो बिहार के कंटेक्स्ट में, विजय चौधरी, ये याद रखना चाहिए। विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार विधानसभा में कौन है, तेजस्वी यादव, ये आपको याद रखना चाहिए। साथ ही किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और मिनिमम न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, एकदम आप फटाफट जवाब देते जाएं, क्लियर हो जाएगा अभी सब कुछ। 500 अधिकतम और 60 मिनिमम हो सकते हैं। अपवाद को आप छोड़ दें, गोवा, सिक्किम में तो 32 है, गोवा में 40 है, तो आप मिनिमम को छोड़ दें, 500 अधिकतम, मिनिमम 60 होने चाहिए। यह दरअसल बीच का संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन विधान परिषद से संबंधित, हम लोगों ने कई राज्यों में विधान परिषद है, दूसरा सदन भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कितने राज्यों में दो सदनीय व्यवस्था है, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है, आपको बताना चाहिए इसके आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, पहले 6 था, तेलंगाना बनने के बाद 7 हो गया, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऐसे 6 राज्य हैं, बल्कि 7, कर्नाटक भी, अगेन 7, संख्या है इनकी 7, दो सदनीय व्यवस्था है 7 राज्यों में तेलंगाना बनने के बाद। याद रखें कर्नाटक में भी दो सदनीय व्यवस्था है, कुछ राज्यों में प्रक्रिया में है, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये पारित नहीं हुआ है। साइंस से आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हम लोग का पिछले दिनों जो कल हम लोगों ने लिया था टॉपिक, वो था स्केलेटल सिस्टम, फेस में कितनी हड्डियां होती हैं, चेहरे में, मुख में, माउथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, स्कल में 8। और कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 6। साथ ही हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स या स्केलेटन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य हो गए, तो ये आपको ऐसे ध्यान में रखना चाहिए। अब आज के टॉपिक्स देख लेते हैं कि ये हम लोगों ने क्या लिया है। आज का टॉपिक दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा, सैयद और लोधी वंश हम लोग कर लेंगे। ये टॉपिक सैयद वंश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, संस्थापक कर लें सिर्फ, और उसका लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो अलग अलग पक्ष हैं, कुछ घटनाक्रम है, कुछ युद्ध है, उसे कर लें। लेकिन यहां पर एक बड़ा अच्छा पेज आपको दिखेगा, इस पर कुछ विभाग हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित, दीवाने मुस्तकराज, ये सब क्या टर्म है, क्या विभाग है, और इसमें कुछ अधिकारी हैं। विदेश विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, सेना प्रमुख क्या था, धार्मिक मामलों का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको आएगा, ये आप कर लेंगे यहीं पर, दिल्ली सत्रह समाप्त हो जाएगा। अब आइए मॉडर्न में, कल हम लोगों ने नहीं लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न में आ गया है, इसे आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ लें। क्विट इंडिया मूवमेंट समाप्त हो चुका है, अब आएगा आजाद हिंद सरकार। सबसे पहले INA, इंटरनेशनल आर्मी, कैप्टन मोहन सिंह, राज बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कुछ रेजिमेंट है, रानी झांसी रेजिमेंट, 3 और रेजिमेंट थे, ये किस नाम से जाने गए, तो ये आप कर लें। सिंगापुर, जापान के संदर्भ में क्या घोषणाएं थी, किसने स्वराज और शहीद द्वीप किसका नाम रखा, सुभाष चंद्र बोस ने, ये आप इंपॉर्टेंट है, ये कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा वेवेल और शिमला सम्मेलन, वेवेल की घोषणा हुई, लॉर्ड वेवेल वॉइसराय थे, 1945 में शिमला में सम्मेलन हुआ, कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे शिमला सम्मेलन में, मौलाना आजाद,
तो ये सब आप कर लें, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 1945 के बाद, यहीं पर आ जाएगा आपको कैबिनेट मिशन 1946 का, 24 मार्च 1940 कैबिनेट मिशन आया, उसके पक्ष को आप देख लें। नेक्स्ट आ जाएगा इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947, नेक्स्ट आ जाएगा माउंटबेटन घोषणा 3 जून 1947, उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, खत्म हो जाएगा, मॉडर्न समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो 1942 से 1947 के बीच का काल है, घटनाक्रमों का काल है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे, इसे अच्छे से करना है। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, डेफिनेटली ये दिखेगा, तो ये आप अच्छे से समझ के करें। पॉलिटी में हम लोग विधायिका कर चुके हैं, आज हम लोग कार्यपालिका कर लेंगे, राज्यों की कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी राज्यपाल, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स, उसको एडवोकेट जनरल, अब महाधिवक्ता, ये सब इसमें हम लोग कर लेंगे। राज्यपाल के अधिकार क्या क्या, वो अध्यादेश जारी करते हैं, कब तक रहता है, किसको शपथ दिलाते हैं, उन्हें कौन शपथ दिलाता है, कार्यकाल क्या होता है, इनके कुछ क्या क्या स्वविवेक हैं, ये सब आप राज्यपाल से कर लें, मुख्यमंत्री से भी। साइंस में हम लोग केमिस्ट्री में मेटल नन मेटल कर लेते हैं, यानी धातु और अधातु, अम्ल भस्म लवण, उसके बाद विलयन, उसके बाद धातु अधातु टॉपिक आएगा बुक में, आपको आसानी से मिल जाएगा। बीच में धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल, मेटल में आप कर लें लोहा, सोना, चांदी, कॉपर यानी तांबा, यानी लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम और जिंक, ये कर लें मेटल में। उसके बाद सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये धातु का बहुत, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोबिया सोडा, वॉशिंग सोडा, उसके बाद चांदी, तांबा, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर कौन है, तो ये आप कर लें मेटल में। नॉन मेटल में आप कर लें उधर सल्फर, फास्फोरस और सिलिकन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकन नॉन मेटल में कर लें, समाप्त हो जाएगा केमिस्ट्री। उधर बायोलॉजी में हम लोग कर लेंगे, समाप्त हो चुका है हड्डी तंत्र भी, अब अंतःस्रावी ग्रंथियां कर लेते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आपको बायोलॉजी में बीच में ही आ जाएगा, मिल जाएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड, आप जानते हैं ग्लैंड यानी ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, मिश्रित ग्रंथि, तो इन तीनों को कर लें। इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोग कर लेंगे, यानी हार्मोन्स अलग अलग जो शरीर में सेक्रेट होते हैं उनको, मास्टर ग्लैंड किसे हम कहते हैं, STH, TSH, ये सब किस तरह का हार्मोन है, किस तरह से वो ब्लड में जाके मिल जाता है, कौन सा हार्मोन प्रीवलेंट है मास्टर ग्लैंड से, किस तरह का हार्मोन निकलता है, फीमेल हार्मोन, मेल हार्मोन, ये सब बायोलॉजी में कर लेंगे, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हम लोग करेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद इधर हम लोग कर लेते हैं टॉपिक्स में, आज अक्टूबर हम लोग कर रहे हैं, नवंबर मैगजीन में नवंबर मंथ का करेंगे, नवंबर मंथ का मैगजीन में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी सितंबर महीने का आपको नेट से सर्च करना होगा, यानी अगर इस मंथ का करंट आप सर्च करना चाहते हैं, सितंबर मंथ का करंट नेट पे सर्च करें, और मैगजीन में अगर आप पढ़ेंगे तो अक्टूबर, नवंबर यानी 2 महीने बाद का मैगजीन में लिखा हुआ होता है मंथ, तो नवंबर मंथ के मैगजीन से हम लोग करंट कर लेंगे, इसे सैनिटाइज कर लें, जो भी आपके पास मैगजीन है नवंबर महीने का मैगजीन आप कर लें मैगजीन से, और अगर मैगजीन नहीं है तो नेट पर आप सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स सर्च कर लें, 50 कम से कम ऑब्जेक्टिव्स बनाना है, या तो आप मैगजीन से निकाल लें या करंट पे आप कर लें, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और 50 क्वेश्चन ही डेली हमें करना है बिहार से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, और एक पर्सनालिटी आज हम लोग करेंगे फिर से, देखिए ये हम लोग कर चुके हैं बहुत पहले, जयप्रकाश नारायण, JP, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जयप्रकाश नारायण टॉपिक में हम लोग करेंगे, पर्सनैलिटी में बिहार से रिलेटेड, तो ये आज के इतने टॉपिक्स होंगे, ये आप करें बहुत बड़ा काम होगा अगर आप अच्छे से इसे कर लेते हैं। तो यहीं पर आपसे विदा लेंगे, कुछ क्वेश्चंस के साथ कल फिर उपस्थित होंगे, टेक केयर।